नहीं मिला, बीजेपी यात्री जो आए हुए हैं अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब तक थिएटर चालू किया जाए, और हम लोग भी डेली डेली यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सिवान से आज तक थिएटर देखने के लिए आज तक नहीं चालू, कब चालू होगा? वायरल कॉल काजल को देखने के लिए सीख लिया है, बस वैसे इंजॉय करने, इंजॉय थिएटर देखने के लिए। हाँ थिएटर तो चालू ही नहीं है, देखिए चालू होता है तो ठीक है, नहीं तो घर जाएंगे। घर जाएंगे? हाँ देखिए वो लौट रहे हैं, सब साजिश है नीतीश कुमार जी का। वो चाहते हैं कि मेला यहाँ का बंद हो जाए, एकदम चाहते हैं कि बंद हो जाए मेला, मेला चलबे नहीं करे। मेला अगर साजिश नहीं रहता तो हर बार हमेशा अब तक तो चालू हो जाता थिएटर, लेकिन अभी तक नहीं चालू हो रहा है। अच्छा वही वहाँ का लाइसेंस मिल गया, थिएटर वेटर सब चालू हो गया वहाँ का। यहाँ देखिए आज 3 दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाइए नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं नहीं है। अच्छा ये दिक्कत है ना? यही दिक्कत है। नमस्कार, अभी हम सोनपुर मेला के थिएटर में आ चुके हैं और मेला का उद्घाटन हुए 6 दिन हो चुका है और अभी तक न थिएटर का परमिशन मिला है न झूला का परमिशन मिला है। देख सकते हैं करोड़ों रुपया खर्च करके थिएटर को यहाँ पे डेकोरेट कर दिया गया है, लगा दिया गया है। थोड़ा सा अंदर चल के मैं आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ कि कितना खर्च किया गया है। देख सकते हैं करोड़ों रुपया खर्च है इन लोगों का और अभी तक सोनपुर मेला का जो थिएटर है उसको परमिशन नहीं मिला है। चलिए मैं अंदर चल के आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ कि कितना पैसा खर्च किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। अंदर चल के मैं आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और थिएटर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब परमिशन मिले कि हम अपना थिएटर चालू करें, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिला है सरकार के मेला प्रशासन के द्वारा कि थिएटर को स्टार्ट किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितना पैसा खर्च किया गया है थिएटर को खड़ा करने के लिए, करोड़ों रुपये खर्च ये लोग किए हैं, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिला है, जिसके कारण थिएटर अभी सोनपुर मेला का जो थिएटर है चालू हुआ ही नहीं है। देख सकते हैं इधर स्टेज के ठीक नज़दीक हम आ गए हैं, उधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है स्टेज को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये साजिश है कि मेला को ख़त्म किया जाए। क्योंकि शायद आप जानते होंगे कि अगर सोनपुर मेला का जो थिएटर है वो बहुत प्रचलित है, थिएटर हो गया, झूला हो गया, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर झूला नहीं चलेगा, थिएटर नहीं चलेगा तो फिर मेला देखने के लिए कौन आएंगे? क्योंकि पहले तो सोनपुर मेला पशुओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी काफ़ी संख्या में थिएटर लगता है सोनपुर मेला में, और कहीं ना कहीं सरकार का ये यूँ कह लीजिए कि साजिश है और इसलिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण थिएटर को नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, परमिशन ही नहीं मिल रहा है तो स्टार्ट कैसे होगा, और जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा थिएटर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी सजाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट देयर। तो यहाँ पे करोड़ों का खर्च थिएटर मालिक का हुआ है, लेकिन ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 6 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमको परमिशन मिल जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण थिएटर अभी भी सोनपुर मेला का थिएटर स्टार्ट नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग नाराज़गी जता रहे हैं कि अभी तक परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि मलमास मेला लगा था राजगीर में, वहाँ पे उद्घाटन के दिन हर चीज़ को परमिशन मिल गया था, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सोनपुर मेला के जो थिएटर है उसको अभी भी परमिशन नहीं मिला है, सोनपुर मेला का जो झूला है, सोनपुर मेला का जो मौत कुआ है, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसको अभी परमिशन नहीं दिया गया है। इसका क्या कारण है अब ये तो मेला प्रशासन ही जानेगा कि क्यों नहीं उसको परमिशन दिया जा रहा है किसी भी चीज़ को। इधर आप देख सकते हैं लोगों का नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, और थिएटर के जो ऑनर है करोड़ों रुपये खर्च करते हैं थिएटर को चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी नाराज़गी है। अगर मान लीजिए कि थिएटर नहीं चलता है तो फिर नेक्स्ट ईयर ये लोग आएंगे नहीं, अगर इस साल अगर थिएटर अच्छे से नहीं चलेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे नहीं, और ये लोग नहीं आएंगे तो फिर मेला सही से चलेगा नहीं, और जब मेला ही नहीं रहेगा तो फिर ये विश्व प्रसिद्ध मेला जो है पूरे देश में ये मेला को देखने के लिए लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे देश से इस मेला को देखने के लिए आते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये साजिश है कि मेला को किसी भी तरह खत्म किया जाए। मलमास मेला जो था उसमें उद्घाटन के दिन ही परमिशन दे दिया गया था, लेकिन क्या कारण है कि अभी इस थिएटर को परमिशन नहीं मिला है। बाकी ये देख सकते हैं अभी हम स्टेज के बिल्कुल करीब आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से स्टेज को डेकोरेट कर दिया गया है प्रॉपर ढंग से, और उम्मीद है कि कल अगर परमिशन मिलेगा तो कल से थिएटर आपका स्टार्ट होगा। मैं इस थिएटर का अपडेट देता रहूँगा, सोनपुर मेला का जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सोनपुर मेला का हर अपडेट आप तक जा सके तो इसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के हर लोगों तक ये वीडियो जा सके और सब लोग ये जान सके कि कहीं ना कहीं सोनपुर मेला को खत्म करने का साजिश चल रहा है। क्यों नहीं अभी तक परमिशन मिला? मेला के उद्घाटन हुए 6 दिन हो गया और अभी तक परमिशन नहीं मिला है। क्या कारण है कि परमिशन नहीं मिला है, आप इसको से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार सिंह। क्या कर रहे हैं इसमें? काम करते हैं। काम करते हैं जी। कब से काम कर रहे हैं? लमसम हो गया 10-12 साल। 10-12 साल जी। तो अभी तक तो थिएटर चालू ही नहीं हुआ है जी। चालू क्या, तो क्या कहना चाहिए? इस लोग मुख्यमंत्री का ये देन है, वही नालंदा जिला में लगता है। हाँ। तो शुरू से ही थिएटर का लाइसेंस थिएटर मिल जाता है। यहाँ देखिए कितने दिन हो गया, 6 दिन, 5-6 दिन हो गया, अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। ये मेला उखाड़ने का साजिश है। हाँ। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत नाराज है इसको लेके कि अभी तक परमिशन नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? नितेश कुमार। आप कहाँ से भाई? यही सोनपुर से। सोनपुर से जी। तो अभी तक तो थिएटर, लोगों को लगता है कि थिएटर चालू होगा और दूर दूर से लोग आते हैं थिएटर को देखने के लिए, वो लौट रहे हैं। ये सब साजिश है नीतीश कुमार जी का। वो चाहते हैं कि मेला यहाँ का बंद हो जाए। वो चाहते हैं कि मेला बंद, एकदम चाहते हैं कि बंद हो जाए मेला। मेला चलबे नहीं करे। मेला अगर साजिश नहीं रहता तो हर बार हमेशा अब तक तो चालू हो जाता थिएटर, लेकिन अभी तक नहीं चालू हो रहा है। अच्छा, वही अगर मलमास मेला लगा था राजगीर में, क्योंकि नीतीश कुमार का एरिया है, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन वहाँ का लाइसेंस मिल गया, थिएटर वेटर सब चालू हो गया वहाँ का। यहाँ देखिए 3 दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत है ना? यही दिक्कत है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कब तक परमिशन मिल सकता है? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब परमिशन मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मेला का जो प्रशासन है वो कब परमिशन दे रही है, पूरे थिएटर का, सोनपुर मेला का जो थिएटर है उसको कब परमिशन देगी और कब थिएटर स्टार्ट होगा, ये अभी कोई गारंटी नहीं है। तो देख सकते हैं युवा लोग थिएटर देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई? हेलो, देखिए क्या नाम हुआ भाई? प्रिंस गुप्ता। कहाँ से हैं? छपरा। छपरा से हैं, क्यों आए हैं? थिएटर देखने, मेला घूमने। मेला घूमने? थिएटर तो चालू ही नहीं है, क्या कहना? चालू हुआ है, 7 बजे होगा। 7 बजे से? कौन बोला है? वही का मौजूद है। नहीं, आज तो परमिशन नहीं मिला है। वो तो वह मिल गया है। नहीं नहीं मिला है। आपका क्या नाम हुआ भैया? रंजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? हम यही बिहार में आए हैं घूमने के लिए, रहते हैं वैसे पंजाब में हैं। ये क्या करने के लिए आए हैं? बस वैसे इंजॉय करने। इंजॉय? थिएटर देखने के लिए? हाँ। थिएटर तो चालू ही नहीं है। देखिए चालू होता है तो ठीक है, नहीं तो घर जाएंगे। घर जाएंगे? हाँ। देखिए कहीं ना कहीं युवा लोग भी नाराज है थिएटर को लेके। नितेश पटेल। कहाँ से हो? बिहार से। सिवान जिला से? हाँ। थिएटर देखने के लिए? हाँ। लेकिन थिएटर तो चालू ही हुआ नहीं हुआ? हाँ, अभी सीट बुक नहीं हुआ, इसलिए चालू नहीं हुआ। क्या कहा? 200 किलोमीटर से आज ही आया? अभी आए। 200 किलोमीटर दूर से देखने के लिए आए, देखने के लिए आए थिएटर देखने के लिए। हाँ, लेकिन चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ है। यहीं पर आएंगे रात भर। रात भर फिर यहीं पे? तो देख सकते हैं ये युवा लोग हैं, थिएटर देखने के लिए आए थे, सिवान से आए हैं। सिवान से ये लोग आए हैं थिएटर देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थिएटर को परमिशन ही नहीं दिया गया है। क्या चालू? हाँ। नहीं हुआ है, क्या कहना चाहोगे? जब चालू होगा तब, भोर सुबह में चालू होगा तो सुबह में रहेंगे, जब तक होगा तब तक रहेंगे यहीं पे। देखिए इसका कहना है कि जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम घर जाएंगे नहीं। आज वही देख के जाएगा, ये थिएटर ही देख के जाएंगे, जाएंगे। बिना देखे भी नहीं जाओगे? काजल आज को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, काजल? काजल को देखने के लिए आए? हाँ। वाह, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत काफी। कहाँ से आए भैया?
क्या नाम हुआ? अरे नाम बोलो ना भाई, कार्डर क्या नाम हुआ भैया? अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? आरा से। क्या करने? घूमने। थिएटर तो चालू ही नहीं हुआ है। हम इसमें नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाना है? आ गया है सर। अच्छा अभी नहीं जाना है। क्या नाम हुआ भैया? बबलू ठाकुर। कहाँ से आए हैं? पिराटा से। कहाँ से? पिराटा से। कहाँ? पिराटा गाँव। क्यों आए हैं? घूमने के लिए। घूमने के लिए? थिएटर देखने के लिए? नहीं घूमने, थिएटर नहीं देखते हम। थिएटर नहीं देखते हैं, ऐसे घूमने के लिए आए? जी। तो चलिए, ये लोग थिएटर नहीं देखते, देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। लोग थिएटर को लेकर नाराज़ है क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं थिएटर को देखने के लिए, लेकिन थिएटर को परमिशन नहीं मिलने के कारण थिएटर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कल अगर शुरू होगा तो मैं आपको न्यू अपडेट ज़रूर दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।